चाहिए या ये दुनिया चाहिए? ये दुनिया रंग बिरंगी है, सुकून है, शांति है, यहाँ एक रंग है। संविधान को जलाया जा रहा है, कैंची से काटा जा रहा है। हमें कौन सी दुनिया चाहिए ये हमें खुद तय करना है, लेकिन इस दुनिया को बचाने के लिए हमें अपना जल जंगल जमीन बचाना पड़ेगा। और जल जंगल जमीन बचाने के लिए एक छोटी सी बात जो मैं अपनी भीली भाषा में बोलती तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन आप सबको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं बोल रही हूँ। आज भी नहीं देंगे, कल भी नहीं देंगे, आदिवासी अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। जिन्होंने दे दी वो हमारी गलती है, लेकिन अब हम किसी को नहीं देंगे। एक छोटी सी बात नहीं समझ में आती, ऐसा क्यों होता है कि सारा विकास आदिवासी की जमीन छीन के ही होता है? दूसरे लोग रहते हैं वहाँ, क्या कोई खदाने नहीं खुद सकती है? वहाँ पे कोई खनिज नहीं है? ऐसा नहीं है, हम भोले भाले हैं, हम जमीन दे देते हैं। हमें अपनी जमीनें नहीं देनी है। अब नहीं देनी है उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे लोगों को ये जो बात है, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, इन सबसे बड़ी बात है एक जगह बैठना पड़ेगा। पांचवी अनुसूची भी तो तभी समझ में आएगी, छठी अनुसूची तभी समझ में आएगी जब हम एक जगह बैठेंगे और एक जगह बैठ के फैसला करेंगे। जैसे आज बैठे, सच बताओ तो आज का कार्यक्रम इस मायने में अच्छा है, कांग्रेस, बीजेपी, बीटीपी और भी सब लोग, असम से आए वो लोग, यहाँ के लोग, देश के किसी भी कोने से आए लोग एक जगह बैठे, ना कोई अतिथि था ना कोई, और सबके सब गर्मी में तप रहे थे, किसी के लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं थी। ऐसी जगह बैठते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं चाहती हूँ कि गर्मी में तप के ही फैसला लो। हम लोग सारे लोग जब एक जगह बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमारी समस्याएं क्या है। मैं सिर्फ राजस्थान की समस्याओं के लिए नहीं कहना चाहती हूँ, दुनिया भर के और हमारे खासकर पूरे देश के आदिवासी नेताओं से जो चुनाव लड़के आगे जाते हैं, कुछ पल के लिए कुछ मुद्दों पे पार्टी छोड़ के समाज को देखा कीजिए। जिस दिन हमारे नेता पार्टी छोड़ के समाज को देखेंगे, हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक दिख रहा होगा कि ये तीन लोग हैं, नाम नहीं लूंगी, यहाँ एक साहूकार बैठा है, ये ऑर्डर कर रहा है बंदूक से, और ये मरने वाले हमारे आदिवासी है। ये कब तक मरेंगे? जब तक हम एकजुट नहीं होंगे। तो आप चाहते हो कि जो मर गए उनकी तरह हम भी मर जाए, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी मर जाए? अगर ऐसा चाहते हो तो एकजुट मत होइए, और चाहते हो कि हम लोग एकजुट रहे, हमारी जमीनें ना जाए, हमारा जल जंगल जमीन ना जाए और हमारी प्रकृति इतनी हरी भरी रहे, तो एकजुट हो जाइए। बस इतना सा कहना चाहती हूँ, 2 मिनट मिले थे मुझे। जय जोहार।